a spiritual environment under the strict guidance of his parents and surrounded by Mahatmas and devotees, he very soon became a master of the spiritual science. His ex-founder of Manav Dharma traveled constantly to inspire and encourage others to experience inner life force, which is our true essence. He reveals the technique of spiritual insight to all, irrespective of caste and creed. Manav Dharma encompasses the teaching of all religions and is the source of them all. It is the eternal wisdom flowing from the practical knowledge of the soul. He is a humanist, social activist, a reformer, and serves mankind. But he is even more than this. He is a primary spiritual scientist and an enlightened teacher. He takes life in totally and wants to bring about a peaceful spiritual revolution in human consciousness, which will then transform society. To enlighten man and enlighten the universe is the motto of his life. So now we are very fortunate that he has written us to bless once again with his presence and share with us of his spiritual wisdom and wealth. So please join us. Welcome Sri Sadgurudev Maharaj Ji, sharing his precious experience and practical teaching. Thank you. Jai Sachidan. Premi Sajjano. राम रोचक डियर प्रेमीज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव सत्संग इन हिंदी एंड देन आई विल गिव सत्संग इन इंग्लिश. प्रेमी सज्जनों, आज भगवान की अनुकंपा से हमें ये सत्संग की प्राप्ति हो रही है और विशेषकर आपके लिए तो ये बड़ा उत्सव का दिन है. इट्स अ डे ऑफ फेस्टिवल कि आपको यहाँ बैठे गुरु महाराज के दर्शन भी हो रहे हैं और सत्संग का लाभ भी मिल रहा है. वैसे तो इंटरनेट के जरिए जो सिलीगुड़ी में सत्संग होता था, हमारे हरिद्वार में जो प्रवचन होते हैं, दिल्ली के अंदर जो सत्संग होता है, वो आप देखते ही हैं, सुनते भी हैं, पर आज साक्षात आपको यहाँ पर ये लाभ मिल रहा है. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संतों ने कहा है, संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा. ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है. देवता भी याचना करते हैं परम शक्ति से कि हमें मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम भी मानवों की तरह संवेदनाओं को ग्रहण कर सकें. और मानव शरीर प्राप्त करने के बाद हम जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, आपने देखा होगा कि जंगल में पेड़ होते हैं, जंगल में फूल होते हैं, पेड़ कहीं आता जाता नहीं है. द ट्री इज स्टेशनरी, पेड़ एक जगह पर खड़ा हुआ है. जो मधुमक्खी होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो पेड़ के फूल पर जाकर के पॉलन प्राप्त करती हैं और उस पॉलन का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं. मधुमक्खी दूसरे पेड़ पे जाएगी, तीसरे पेड़ पे जाएगी, चौथे पेड़ पे जाएगी, तो पॉलन मिक्स होता है और उससे फल प्राप्त होता है. इसी प्रकार से गुरु महाराज भी एक मक्खी की तरह ज्ञान देने वाले
हमें पॉलन देते हैं जिससे कि ज्ञान का पुष्प, ज्ञान का फल हमारे अंदर पैदा होता है। तो कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और दूसरी बात तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनय प्रयास हो तो भव भंगा, कि सत्संग भी बड़े भाग्य से मिलता है। आज आपको सत्संग की प्राप्ति हो रही है और इस सत्संग के अंदर बहुत सी बातें हम जब सुनाते हैं तो मनुष्य के अंदर छुपी हुई सुषुप्त जो चेतना है वो जागृत होती है। A man begins to question, एक आदमी प्रश्न करता है कि भाई मुझे क्या जानना है। एक दफे बीरबल सिर झुका के जा रहा था, he was walking with his heads down, सिर झुका के जा रहा था। बीरबल ने छेड़ा, बीरबल ने कहा अरे बीरबल जी, बादशाह अकबर ने कहा बीरबल से कि अरे बीरबल तुम क्या खो गया है, तुम्हारा क्या खो गया है। तो बीरबल समझ गया कि बादशाह जी मुझे छेड़ रहा है। उसने कहा जहां पना मैंने बहुत बड़ी कीमती चीज खो दी। तो अकबर कहता है अरे हम आधा आधा बांट लेंगे, अगर हमें बता दो क्या चीज खोई है, हम भी ढूंढेंगे। उसने कहा महाराज मैंने बाप खो दिया अपना, अब इसको बांटो, हम भाई भाई हो गए। वास्तव में देखा जाए हमने प्रभु को खो दिया है। और आज से कई साल पहले भारत के एक साधु जिनका नाम विवेकानंद था, वो चिकागो में आए, अमेरिका में आए, बड़ी कठिनाई से पहुंचे। और अमेरिका में पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्रवचन दिया। उनसे पहले अमेरिका में लोग कहते थे माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, माय डियर जेंटलमैन, माय डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, हमेशा जो बोलने वाला होता था वो कहता था नर और नारियों, वो केवल मनुष्यों को नर और नारी के रूप में देखते थे। पर जब विवेकानंद भारत से आया तो विवेकानंद ने सबसे पहले कहा माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के अंदर रहने वाले भाइयों और बहनों, जब भाई और बहनों का उच्चारण किया तो 10 मिनट तक लोग वहां के ताली बजाते रहे कि आज एक व्यक्ति ने परंपरा को तोड़ करके नर और नारी ना कह करके उसने हमको भाई और बहन कहा। और वास्तव में हम भाई और बहन हैं, हमारा एक परम पिता परमात्मा है, एक भगवान है सबको बनाने वाला। आज हम सोचते हैं अजी हमारा संप्रदाय अच्छा है, दूसरे का संप्रदाय छोटा है, संप्रदायों का झगड़ा हो रहा है, धर्मों का झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं हिंदू कहे वो है राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में तो लड़ मरे मरम न कहू जाना। ये अलग अलग धर्म की, अलग अलग संप्रदाय की हम बात करते हैं। कोई कहता है मेरा संप्रदाय अच्छा है, कोई कहता है मेरा नहीं है। हम कहते हैं जी हमारा संप्रदाय अच्छा है। ये अलग अलग की बात ना करके इसमें हम एक यूनिफाइड थ्योरी देखें। वो समन्वय करने वाला जो सबको बांध रहा है, जैसे ये माला है, इस माला में अलग अलग फूल हैं, पर एक धागा, देयर इज वन थ्रेड दैट होल्ड्स ऑल द फ्लावर्स टुगेदर। ऐसे एक भगवान का ज्ञान है जो सब धर्मों का आधार है, उस ज्ञान ने सारे धर्मों को अपने आप में कंटेन किया हुआ है। वो फंडामेंटल ट्रुथ है, वास्तविकता है, सबका आधार है। जैसे ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर हम अलग अलग लेवल बना दें, अमेरिका में तो बड़े बड़ी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, उसके ऊपर जितने फ्लोर हैं उन सबका क्या आधार है, फाउंडेशन। इसके ऊपर छत है,
इसके ऊपर और फ्लोर हो सकते हैं, उन सारे फ्लोरों का आधार ये फाउंडेशन है। ऐसे ही हमारे संतों ने कहा कि सारे संसार के अंदर सबका आधार भगवान का ज्ञान है, इनलाइटनमेंट है, आत्मज्ञान है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मोसेस ही गोज ऑन टू द माउंटेन एंड ही रिक्वेस्ट यहोवा दैट आई वॉन्ट टू सी यू। मोसेस जाते हैं पहाड़ के ऊपर और कहते हैं हे भगवान, मैं आपका दीदार चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी यू। तो जब भगवान से बड़ी प्रार्थना करते हैं तो भगवान मोसेस को एक बर्निंग बुश के रूप में, एक प्रकाश, एक पेड़ से प्रकाश निकल रहा है उस रूप में दर्शन देते हैं। मोसेस विटनेस्ड गॉड, मोसेस एक्सपीरियंस्ड गॉड इन फॉर्म ऑफ अ बर्निंग बुश, ही एक्सपीरियंस्ड लाइट। ऐसे ही गायत्री मंत्र के अंदर कहा गया है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, जिसमें एक मंत्र दृष्टा, एक ऋषि कहता है हे परमपिता परमात्मा, आप भर्गो ज्योति हो, आप प्रकाश हो, मैं आपका ध्यान करता हूं, आई मेडिटेट ऑन यू। तो साधक ने प्रकाश के रूप में ध्यान किया। गीता क्या कहती है, हे अर्जुन।